मैच है ना लेवीरॉक्स टीम्स, तो अभी चैंपियंस लीग का मैच होने वाला है एलईपी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच 1 घंटे 32 मिनट के बाद गाइस। तो बात करूँ ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। दूसरी बात, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, बी अवेयर फ्रॉम एन अदर फेक चैनल फ्रॉम माई नेम ओनली एंड ओनली, दिस इज़ माई ओरिजिनल चैनल फ्रॉम माई नेम। तो चलते हैं आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की तो यहाँ पर 2 मिनट गाइस मैनचेस्टर सिटी के मैं फेवर में जाना चाहता था, बट यहाँ पे पिछला मैच जो हुआ उससे ये वाकिफ होता है। मैं मानता हूँ अगर मैनचेस्टर सिटी ने 6 गोल किए तो 3 गोल एलईपी ने भी किए थे इनको पिछले 2 महीने पहले। तो उस बात से भाई बिल्कुल ना, देखो जो मिस्टेक या जो अच्छापन जैसी आपने प्रीवियस टीम बनाई थी डिट्टो वैसी मत बनाना, कुछ बदलाव रहेगा। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल कि क्या चेंजेस हो सकते हैं क्या नहीं, ठीक है बस पूरे बने रहो। तो आगे से बात करूँ गोलकीपर की, देखो गोलकीपिंग में मैं गैलेक्सी को चुन रहा हूँ। मैं चाहता तो मॉरिस को आगे से चुन सकता था किसी भी तरह, बट उसका भी फायदा नहीं नजर आ रहा क्योंकि गैलेक्सी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट परफॉर्मेंस तब होगी ना जब दोनों तरफ से गोल हो, और मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से गोल्स होने चाहिए। और आगे से बात करूँ डिफेंडर की, जे कैंसेलो को लूंगा। कैंसेलो वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक है। पिछले मैच के अंदर जब बीआरयू के खिलाफ मैच था 19 अक्टूबर को, उसके अंदर भी इन्होंने एक गोल किया था, जबकि देखा जाए तो इसी टीम के खिलाफ मैच, सॉरी इसी टीम नहीं, जब इन्होंने एलईपी के साथ खेला था उस वक्त भी इन्होंने गोल किया था और इसी टीम के खिलाफ मैच था। मतलब देखा जाए तो जे कैंसेलो एक अच्छी फॉर्म में नजर आया। एंड के वॉकर की बात करूँ, वॉकर को अभी मैं ले रहा हूँ बट इसने एलबी के खिलाफ नहीं खेला था, बट बीआरयू के खिलाफ इस बंदे ने जोरदार गोल भी किया। तो वॉकर एक अच्छी फॉर्म में, मैं तो वॉकर को अपनी टीम तक में नहीं लेता था, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि अगर हम ड्रॉप करते तो अंदर से ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप तो नहीं कर रहे। एंड आर दयास की बात करूँ, रूबन दयास सिर्फ एलबी के खिलाफ चला था, उस 2 असिस्ट किए थे उसने उस दिन, तो यहाँ पर मैं ज़रूर लूँगा। और मुकियल एक मिडफील्डर है गाइस, मुकियल एंड एंजेलिनो ये दोनों एक मिडफील्डर हैं, बट ये डिफेंडिंग ऑप्शन में ही आपको मिलेंगे, लेकिन मुकियल को ज़रूर लेना। लेना तो मैं एंजेल को भी चाहता था, बट एंजेलिनो को जब भी मैं लेता हूँ ना मेरे लिए थोड़ा अलग प्लेयर है, मैं जब भी लेता हूँ चलता नहीं मेरा ऐसा मानना है, तभी मैंने मुकियल को ले लिया। क्योंकि मुकियल को जब भी मैं ट्राई करता हूँ वेल परफॉर्म करता है। पेरिस सेंट जर्मन के खिलाफ भी मैंने इसको ट्राई किया था जब इसने गोल लगाया, उस वक्त भी मेरी जीत का कारण एक यही प्लेयर था। एंड आगे से केडी ब्रून का थोड़ा इंजरी सा चल रहा है, तो यहाँ पर रियाद महरस को लेना पड़ेगा, जबकि रियाद महरस एक अच्छी फॉर्म में है, ऑलमोस्ट अच्छा कर सकते हैं, जबकि एलीबी के खिलाफ इसने जो पिछला मैच हुआ था उसमें भी गोल लगाया था। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप किसी और प्लेयर से कंपेयर करते हैं। एंड फॉर्सबर्ग की बात करूँ, फॉर्सबर्ग ने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मैच तो खेला था बट बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि चैंपियंस लीग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर आपने कुछ परफॉर्म करना है तो हाफ टाइम से पहले फटाफट करना है। एंड बर्नेंडो सिल्वा की बात करूँ तो बड़ी तगड़ी फॉर्म में आ गए। मैं प्रीमियर लीग की अगर बात करूँ और नेशनल टीम से जिससे खेलते हैं पुर्तगाल, उसमें तो मैं कह रहा हूँ ऐसी फॉर्म नज़र आ रही है, मतलब लिटरली समझ नहीं आ रहा कि बी सिल्वा आने वाला ग्रेट प्लेयर हो सकता है। एंड जैक ग्रिलिश की बात करूँ, जैक ग्रिलिश को लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि एलईपी के खिलाफ इसने ऑलरेडी पहले गोल एंड असिस्ट कर दिया था, जबकि छोड़ा नहीं जा सकता प्लेयर को, भले आपके पास जितना मर्जी क्रेडिट इशू हो। एंड आगे से बात करूँ नुकू की, नुकू को भी भाई मैं ड्रॉप करने का बिल्कुल भी कारण नहीं बनता। जो बंदा पेरिस एंड जर्मन को 1 गोल कर सकता है, जो बंदा मैनचेस्टर सिटी को हैट्रिक कर सकता है, मैं कहता हूँ वो कुछ भी कर सकता है। एंड नुकू को अगर किसी और टीम में चांस मिले तो ये बंदा रॉक करेगा। एंड फॉर्डन की बात करूँ, अभी मैं फॉर्डन को ले रहा हूँ, फॉर्डन का खेलना तय नहीं है, फॉर्डन की जगह गैब्रियल जीसस या रहीम स्टर्लिंग को मैं ट्राई करूँगा। अभी आप फॉर्डन को सेव एंड वेट करके रख लो। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है रियाद महरेज, वाइस कैप्टन है नुकू। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।